तुम्हें शांति मिले। पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। यह अभिवादन पुनर्जीवित प्रभु का अपने प्रेरितों के लिए ऐसा रहा कि जिनसे कि उनका जीवन परिपूर्ण परिवर्तित हुआ। पास्का व प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के पर्व के 50वें दिन पूर्ण होते ही पेंतेकोस्त पर्व जोश व उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह न केवल एक बाह्य रूप का समारोह है बल्कि ख्रिस्ती धर्म विश्वास का आंतरिक अनुभव एवं जीवंत साक्षी भी है। पेंतेकोस्त की घटना और प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 में जब पेंतेकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। यीशु की रचना जिस आदि शब्द से हुई, जो शब्द ही खुद ईश्वर था, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, उसमें जीवन था। जो जीवन मनुष्य की ज्योति था, वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया है। हमारा विश्वास उस पिता ईश्वर पर है जिसने अपने शब्द से सारी रचना की। शब्द देह बनकर हमारे बीच में रहने का रहस्य जिस ईश पिता की आत्मा से संभव हुआ, वही आत्मा पुनर्जीवित प्रभु यीशु के सांस प्रेरितों पर फूंकने से उन्हें पाप क्षमा एवं प्रेरिताई की अधिकार प्राप्त हुआ। वही पवित्र आत्मा पर हमारा विश्वास है। आदि शब्द का बल पवित्र आत्मा का बल है जो ज्योति के रूप में प्रेरितों पर उतरता है। वही ज्योति बपतिस्मा संस्कार द्वारा हम सबों को उसी ईश्वर के संतान बनाता है और अन्य संस्कारों के योग्य बनाता है। पावन संस्कारों में पवित्र आत्मा कार्यशील है जो वचन के माध्यम से प्रकट होता है। हम सब पवित्र आत्मा का मंदिर है। चरित्र अध्याय 10 में संत पेत्रुस के प्रवचन के अवसर पर जिस किसी ने शब्द को सुना और विश्वास किया वे शुद्ध हुए, क्योंकि पेत्रुस पवित्र आत्मा से आविष्ट हुआ था। 40 की अवधि के से लेकर पवित्र सप्ताह, पास्का पर्व और पास्का काल हम सब ने कोरोना द्रवित अवधि के रूप में बिताया और उससे हम प्रभावित कष्ट को भी सहते आए हैं। अब है समय पुनर्जीवित प्रभु का स्वर्गारोहण और पेंतेकोस्त पर्व की मनाने का। हमारा विश्वास आंतरिक उल्लास और आंतरिक जोश बिकाना पड़े। पवित्र आत्मा के प्रभाव से पावन कलीसिया का जन्म हुआ, नियमित रूप से संस्कार की मुक्ति हुई, मुक्तिदाता प्रभु का राज्य पवित्र आत्मा के प्रभाव से फैलता रहा जिसको कोई रोक न सका। हमारा विश्वास पिता ईश्वर पर है, उसे भेजे हुए पुत्र पर और पवित्र आत्मा पर। हमारा विश्वास है पावन कलीसिया पर, संतों की संगति और मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर है। पवित्र आत्मा की भाषा है प्रेम, शांति, प्रेम मेल मिलाप, भाईचारा और आनंद है जिसे सभी सुन सकते हैं। देश, भाषा, जन जनांग सब जुड़ जाते हैं। कोरोना महामारी को मिटाने में सारा जग एक हुआ है। इस एकता में पावन आत्मा का प्रवेश हो। कोविड महामारी से पीड़ित
मृत जन व इस वातावरण से जीविका से वंचित जन असुरक्षित निराश्रित लोगों पर पवित्र आत्मा की छाया बनी रहे। हमारे समय काल और वातावरण में ईश्वर का राज्य फैले और कोरोना के फैलने से रोके और मानव जाति को एक समान बनाए ताकि सभी भाई बहन के रूप में इस धरती को अपना माने और सब सरकारी अधिकारी समाज प्रभु के वचन को माने, पवित्र आत्मा के को स्वीकार करें, सब जन उसी पिता ईश्वर की संतान मानकर शांति सौहार्दता भाईचारा और प्रेम से रहना सीखे। इससे नए समाज की पुनर्रचना की दिशा में पवित्र आत्मा से नया जीवन का संचार हो। भिन्न भिन्न भाषाएं संस्कृति व देश के लोग मानवता प्रेम और भाईचारा अपनाएं और इस महामारी से मुक्त हों। हे पावन आत्मा, जिस तरह आपका प्रेतों पर उतरना हुआ और परिवर्तित होकर वे पवित्र वचन की उद्घोषणा करने लगे, उसी तरह आप आज की मानवता में उतर आए और हमारे समाज को परिवर्तित कर कोरोना महामारी के साथ हर बुराई और हर विपदाएं और हर अन्याय भ्रष्टाचार से इस जगत को बचाए रखे। आमीन। आप सबको पुनर्जीवित प्रभु की शांति और प्रेम। जय यीशु।